अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन छोले। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नए से नए वीडियोस मिल सके। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1/2 kg वाइट चने हैं, चिक पीस। इन्हें मैंने सुबह के टाइम भिगो दिया था और मैंने इसके अंदर 1 teaspoon सोडा डाल के मैंने इसे भिगो दिया था। फिर जब मैंने इसे पकाए हैं तो वो पानी, सोडे वाला पानी फेंक कर इसे धोकर दोबारा इसे गलाने के लिए रख दिया। और इतना हमने गलाना है कि ये सॉफ्ट होने चाहिए। ये हो गए चने। ये इसका पानी है जो जिसमें चने मैंने उबाले थे, ये थोड़ा सा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दही है, दही है, कैबेज है, थोड़ी सी जाएगी कैरेट, इसे मैंने कद्दूकस कर दिया है। ये मेरी अनारदाने की चटनी है, इसकी जो है मैंने आपको बनाना सिखाई है, इसके मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा यहाँ पर अचार है, इधर मेरे पास प्याज पड़ी हुई है। ये भी, ये सारी सर्विंग सजेशंस हैं। ये मेरे पास जो मसाला है ये रायता का मसाला है, ये मैं दही के अंदर डाल के इसका रायता बनाऊंगी। ये थी सर्विंग सजेशन। यहाँ हम चिकन छोलों का एक मसाला इसके अंदर जाएगा, वो हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तकरीबन 3 tablespoons मेरे पास ब्लैक पेपर है पिसी हुई, 4 tablespoons मेरे पास होल कोरिएंडर है, 1 bay leaf या तेज पत्ता पहले, 3 tablespoons मेरे पास क्यूमन सीड है यानी सफेद जीरा, 1/2 teaspoon अजवाइन है और 1.5 tablespoons जो है मेरे पास होल रेड चिली है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 1/2 teaspoon मेरे पास जायफल है, 1/2 teaspoon जावित्री, 2 black cardamom यानी बड़ी इलायची, 6 मेरे पास क्लोव्स हैं और ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची, 2 जो है मेरे पास बादियान के फूल हैं। इसके अलावा ये एक स्पाइस है, इसे लॉन्ग ब्लैक पेपर कहते हैं और इसे पिपली भी कहते हैं। मेन इसका जो स्पाइस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये है। तो आइए अब हम जो है सबसे पहले इस मसाले को पीस लेते हैं। यहाँ एक बाउल में मैं ये सारे स्पाइसेस डाल दूंगी, क्यूमिन सीड, होल कोरिएंडर एंड बे लीव्स, साबुत मसाले, अजवाइन, होल रेड चिली एंड ब्लैक पेपर। अब इन सारे मसालों को मिक्स करके मैं इन्हें ग्राइंड कर लूंगी। जी नाजरीन, की हमारे चिकन छोले का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम चलो में एक काम करेंगे कि हमने मैशर से, पोटैटो मैशर से हमने हल्का हल्के से मैश कर लेना है। ये चने ऑयल फ्री बनेंगे, इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि हम जब भटूरों या पठोरों के साथ चने जब खाते हैं तो उसके अंदर वो लोग ऑयल बिल्कुल नहीं डालते। तो ये से मैं हल्का सा इस तरह थोड़ा मैश कर दूंगी। हमारे होने चाहिए मैशी कि कुछ चने खड़े खड़े भी रहें और कुछ मैशी मैशी से भी रहें। तो ये स्टार्ट इसकी कुकिंग करते हैं। ये मैंने कढ़ाई में ये चने डाल दूंगी इसके अंदर। बहुत ही, अगर आपने मसाला बना के रखा होगा तो ये क्विक बनेंगे, वैसे भी ये क्विक बन जाते हैं। ये सारे चने हमने इसके अंदर डाल दिए। Thank you.
जो मैंने यहाँ पे जनों का पानी बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा पानी जाएगा। और साथ ही मैं इसके जो मसाला मैंने पीसा था इसका वो जाएगा। ये सारा मसाला नहीं, तकरीबन हाफ के जी चनों के लिए 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास टीस्पून है, इसलिए मैं 2 डालूंगी क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग है। ये डाल के मिक्स करेंगे। नमक थोड़ा सा डालेंगे, मिर्चे हम जो है बाद में एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर काली मिर्च भी गई हुई है। नमक 2 टेस्ट लेंगे और फिर हम थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून में रेड चिली पाउडर डालूंगी, ज्यादा ये स्पाइसी नहीं करेंगे इसको। अगर आपको ऑयल डालना हो तो जब बेशक हम सर्व करना चाहें, जिस तरह किसी में क्योंकि हमें आदत तो होती है जब तक दाल और या इस तरह की चीजों में जब तक तरी नजर ना आए तो अच्छा नहीं लगता, तो तब उस स्टेज पर आप इस तरह कीजिएगा कि थोड़े से टाइम में ऑयल गर्म कीजिएगा, उसी के अंदर ये जो मसाला चिकन छोलों का मैंने बनाया है 1/4 टीस्पून में डालकर उसे पका लीजिएगा। और जब आप सर्व करने लगे तो फिर आप डोंगे के ऊपर या डोंगे में उसे ऊपर कोट कर दीजिएगा। लेकिन हम बाजारों में जब चिकन छोले जब भटूरों के साथ या कटोरों के साथ खाए जाते हैं उसके तो अंदर ऑयल वो नहीं डालते। ये हम थोड़ा सा इसे कुक करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी क्योंकि अभी 1-2 मिनट ऐसे और मैं देर पकाऊंगी और ये रेडी हो जाएंगे। तकरीबन 1/2 ग्लास मजीद दिया है तो जो चने हम उबाले उसका पानी आप फेंकेंगे मत। मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अब ये जो यहाँ पर रेडी है मैं आपको डिश आउट करके दिखा जी नाजरीन, ये भटूरे सॉरी चिकन छोले हमारे रेडी हैं। अब यहाँ पर जो इनकी गार्निश की चीजें हैं वो हम डालेंगे। कैरेट, ये ऑथेंटिक रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इसका जो मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है वो बेशक आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी जो है बना के रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी अनार डालने वाली इसकी रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसमें सिर्फ 1 बंच पुदीना है, 1/2 बंच धनिया, 2-3 हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून अनार दाना है। ये साइड पर रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको होममेड रायते का मसाला बताया था वो मैं इस दही में मिक्स करूंगी। रायते का मसाला रायता जाएगा साइड पे, आप कुछ रख भी दीजिएगा ताकि जिन्होंने एक्स्ट्रा लेना हो वो इजीली ले सकें। और ये जो अचार मैंने बताया था साथ हम वो रख देंगे। जी नाजरीन, ये हमारे चिकन छोले रेडी हैं, इन्हें मैं भटूरों के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे भटूरे बना लीजिए, आप तंदूरी रोटी के साथ खा लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगर आपने
हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।